यहाँ पर तो फ्रीज करके या बच्ची जाई बुजुर्ग लोगों में फ्रीज करके फोटो देना सीरी न बोला बैठा करबे काड़ा हो जी। नमस्ते, क्या हाल चाल? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बेटी कुजी का फाइनली हम लोग हो चुके हैं रेडी और आज हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन जगह पे। जगह का नाम है तियुन धार। जी हाँ, नाम तो मैंने बहुत बार सुना है तियुन, बट पहली बार जा रही हूँ। और हमारे जो दोस्त है वो वेट कर रहे हैं और एकदम से अचानक प्लान बना, तो लेट्स को दोस्तों से भी मिलवाते हैं आज हम आपको और वहाँ की जगह भी दिखाते हैं। अभी हम लेट हो चुके हैं, लेट्स को फटाफट चलो। ले लिया है माता के लिए, तो चलो चलते हैं और पहुंचते हैं। अभी मेरा वेट हो रहा है, अभी मैंने उनके लिए थोड़ी सी मिठाई ली है, थोड़ी सी स्वागी ली है। और मैंने सोचा था कि जब भी मैं फोरी माँ के दरबार जाऊंगी तो वहाँ पर मैं कुछ लेके ही जाऊंगी, तो लेट्स गो। तो गाइस अभी हम लोग कुल्फी एंजॉय कर रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया, गर्मी में ठंडक एहसास बिल्कुल। तो ये देखिए कुल्फी का मजा लगा थोड़ा सा। चलिए हम लोग पहुंचे हैं ग्रामक जगह पे और अभी यहाँ से हम लोगों को जाना पड़ेगा पैदल। गाड़ी हम लोगों ने यहाँ पर लगा दी है और ये देखो जब लगी है, जब क्या बोलते हैं ताड़ते हुए और इस व्यू है। और ये हमारे हिपी इन हिमालयाज, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। लास्ट ईयर ब्लॉग से मिलने पर बहुत अच्छा फील हो रहा है। एक तो लास्ट ईयर ब्लॉग पर मिलने पे और दूसरा माँ फुंगड़ी के दरबार जाने पे। पहले भी गए वहाँ? ओह माय गॉड, फर्स्ट टाइम है इनका, फर्स्ट टाइम है तो मेरा भी फर्स्ट टाइम है। मुझे लगता है हम सबका फर्स्ट टाइम है, लेकिन जो हमारे साथ ही पेन हिल्स है इनका ये आते जाते रहते। तो लेट्स गो, चलो चलते हैं और भी बेहतरीन बनाते हैं इस खूबसूरत से दिन को। लेट्स गो। मीठा बड़ा लाग, हवा चली है कि मैं क्या बताऊं, काफी अच्छा महसूस हो रहा है। अगर ये हवा नहीं होती तो पता नहीं क्या होता हमारा, बिल्कुल हो सकता है ना, क्योंकि प्रभु हमसे बहुत प्यार करते हैं। यस, वही रही ना माता वहाँ रास्ता बहुत ही खूबसूरत, बहुत दूर है, काफी लोग ऊपर से दर्शन करके आ रहे हैं माँ के, बता रहे कि 2 घंटे लगेंगे, अब पता नहीं कब पहुंचेंगे, समझ नहीं आ रहा है। ओ माय गॉड, बाकी प्रभु माँ की कृपा से धूप चली गई है, बादल आ गए हैं, सो लेट्स गो, चलो पहुंचना है भाई, पता नहीं हम कैसे पहुंचेंगे भाई, ये तो माँ ही जाने। लेट्स गो। खूबसूरत देखो लोग, वाह खतरनाक ही चट्टान है। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, लोग यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं दुकान पे। बाकी जो हमारे दो दोस्त है वो आगे निकल चुके हैं, बाकी हम अभी 3 यहीं पर ही है, तो चलो फटाफट चलते हैं। और बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, मेरी तो हालात ही खराब हो चुकी थी, बट चलो अभी थोड़ा सा रेस्ट करके अच्छा लग रहा है, तो अभी चलो चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं माँ फुंगड़ी जी के। सोचना रही मेरे को, मैं सब में सोचना रही। तो देखिए गाइस अभी हम लोग बस वहाँ पर पहुँचने वाले हैं और फटाफट पहुँचेंगे, काफी अच्छा लग रहा है। फाइनली हम लोग पहुंच तो रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात होगी। मेरी तो हालत इतनी ज़्यादा टाइट हो चुकी थी, मुझे लगा कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगी, बट चलो वो तो माता अंदर आई, माता ने हिम्मत दी और फाइनली पहुंच गई माता श्री देवी फुंगड़ी के। उन
तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है ये गांव और यहाँ पर जो शेरी है, वाव। और ये जो गांव है यही है वो जो हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है, त्यून गांव। तो अभी हम लोग गांव के बीचों बीच जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि मंदिर ठीक पास में ही है। अभी चलो आप सभी को भी दर्शन करवाते हैं। जय हो मैया, देखो गाय। मैया मेरा मन खो गया इन पहाड़ों में, मैया मेरा मन खो गया इन पहाड़ों में, तेरी ममता के शीतल फुहारों में, तेरी ममता के शीतल फुहारों में, मैया मेरा मन खो गया इन पहाड़ों में। तेरी चुनरी है माँ बड़ी प्यारी है माँ, तेरी चुनरी है माँ बड़ी प्यारी है माँ, ऐसी चुनरी ना देखी। हम लोग पहुँचे हैं माँ फुंदी के दरबार में, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैंने सोचा नहीं था और एकदम से पहुँच गए। सो अभी पूजा करते हैं। सो फाइनली गाइस हम पहुँच गए हैं यहाँ पे, 2-2.5 घंटे का रास्ता तय करने के बाद हम आखिरकार पहुँच गए हैं यहाँ पे। ओ यहाँ पे थोड़े चिकन है तो मुर्गे बोलते हैं मुर्गे। ये हमारे हैप्पी भैया जी हैं जो हमारे ड्राइवर भी हैं। ये हमारे ड्राइवर जी हैं और ये हमारी सिया जी यहाँ पर अभी भी पूजा ही कर रहे हैं जी। बिल्कुल, काफी समय बाद आए हैं यहाँ पर, कितने अरसों सॉरी पहली बार आए हैं। पहली बार मैं तो फोन टॉप गई थी ब्यासर वाले में ना, बट यहाँ पर आई, सुना था कि त्यून नाम की है जगह, बट आज फाइनली पहुँच के माता रानी के पास, काफी अच्छा लगा। एंड माता कहाँ से आई है? दिल्ली से आई है। अच्छा, दिल्ली उत्तर आई है, फिर बहुत जगह जाते होके जी रोनंग से होकर के आई है, फिर अनुसार होकर के मतलब खुद ही आई है, फिर किसी को कुछ इनके अवशेष मिले होंगे, मतलब अवशेष मिले ना, स्थान मिले इनको, इनको चिन्ह मिला, चिन्ह मिला उसके बाद किसी कहाँ पे, इसी स्थान पे मिला चिन्ह या फिर कहीं और? यहाँ भी चिन्ह मिला, यहाँ जो है ना जो धूप का वृक्ष होता है। अच्छा, वो पैदा हुआ पहले। अच्छा हाँ, फिर उसके उसके बगल में नाग। अच्छा बैठा, फिर उस करके बाद मिला पता की भैया कैसा है, तो ये कोई चीज प्रकट हो रहा है यहाँ पर, तो करके यहाँ बच्ची गए जाई बुजुर्ग लोगों में फिर करके से प्राप्त हो गई। अच्छा, तो बहुत पावरफुल है माता, ऐसा बोलते हैं सभी। इसका ये अंतरी मार्ग एक युग में आदमी के अंदर जो है लालच हो गया है, जिस करके देव देवते थोड़ा रुष्ट होते हैं जी, तो ऐसा बताती है माता कि कल युग में जो है सत खत्म हो गया। जी जी बिल्कुल, तो ऐसे बोलते जैसे कि साल में एक बार बोलती है जी गुरु के पास, तो तब जवाब देती इस टाइम से। आपको कोई मतलब आवाज हुआ है कभी कि ऐसा कभी स्वप्न में दिखाई पड़ती है जैसे मतलब लेट देती है जी, वैसे मानो कि जैसे मैं दिन को याद करता हूँ कि जैसे मैं अपने मन कामना कर दू माता मेरे को फ्रेंड चीज में बदल देना जी, तो वैसे फिर जो कम कर दे सपने में जो है लेट दिखाई पड़ेगी। और जो आप उनसे मतलब शक्ति मांगते हो बल जो भी है वो हो जाता है पूरा? अच्छा, तो दिल से मानी चाहिए, दिल से मानी। तो ऐसे मतलब ऐसा की जैसे कि स्वागन और अच्छा रूप होगा गहने दिखाई पड़ेंगे बहुत ज्यादा। अच्छा, ऐसे भी इसके पास इस टाइम कोई कुछ करके कोई एक क्विंटल के लगभग गहना है, सारे लेडीज गहना होगा। हाँ बिल्कुल, वो बड़ी चढ़ा ये कुछ लगाया है इनका, वो नहीं है ना रथ नहीं होता ना इनका, मूर्तियाँ है उसमें लगाई ना जी जी, गुंड होता है गुंड डालते हैं फिर जी गुड़ को फूल, फिर तब बोलता है वो गुड़ जी, ऐसे नहीं बोलता जैसे कि और गुड़ बैठ के खेलाती उनको, ऐसे नहीं होता। अच्छा, तो वो ऊपर से जान जो उसमें गहने लगाए जी जी जी, वो गुड़ को डालता है। अच्छा, ऊपर पूरे गहने लगे होते हैं? अच्छा, पूरा गहना लगा गुड़ को खाना मुश्किल। अच्छा जी जी, फिर बोल उनकी शक्ति होती है ना, फिर उधर प्रभाव गुरु को नहीं पड़ता।
हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल 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 अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। हमारे बुजुर्गों का घर ही घर ही थे जी जी। फिर हमारे घर में थे, फिर गांव में आग लग गई, फिर पूरा गांव जल गया। अच्छा। फिर अमर पूरे हो गया, फिर ये मंदिर बना, फिर जितनी देवरी आग बोलते हैं जी जी बिल्कुल, फिर सब कट होके जितनी देवी की आर सब आदमी कट हो गए, फिर बनाए मंदिर, फिर हम निकल गए यहाँ से, फिर हम साइड में चौकदारी मारी है यहाँ। अच्छा। पुजारी हम ही है। बहुत खूबसूरत, काफी हाइट पे है ना? लगे तो 6-7 फुट आती है। अच्छा अभी भी? अभी भी आती है। अच्छा। लगता थोड़ी आगे पीछे बिल्कुल तो पहुँच जाती 6-7 फुट तक। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपने बताया, थैंक यू सो मच। तो अभी वक्त आया है यहाँ से जाने का, तो काफी अच्छा लगा माँ के दरबार पे आके, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुकून है। माता रानी सभी को शक्ति दे, और मैं तो बोलती आइए आओ, आप भी आओ, दर्शन करो माँ के, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ के। चलो थैंक यू सो मच माँ, जस्ट लाइक समझा, शुक्रिया। वाओ, अरे गाइस फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं माँ फुंगड़ी के दरबार से वापस स्कूल की तरफ, बहुत ही अच्छा लगा। कैसा लगा दोस्तों? बहुत अच्छा। अच्छा, देना बोटू देना श्री न बोला बैठा कर बे, श्री न बोला बैठा कर बे, बोटू को सब देना बोटू देना श्री न बोला बैठा कर बे। बस लाइए पहली बार ऐसा होता है, तू हर संग पहली बार मिली, पहले भी तू एक गाना नहीं ला ला जा छोटा तू है गाना तू खोज दे कुछ बुधवा मामा जसा तू है शून चलेगा तू तारा लाड़ी जसा सुने तारा लाड़िए उतानिए तेरे लग दूंगा तू है सुने तारा लड़िए तू तानी है तेरे लग दूंदारा सवा तू है सुने तारा लड़िए उशीरे देना तो बैठाटू तारा गुणी देना पाटू उशीरे देना तू गा उशीरे देना तो बैठाटू तारा गुणी देना पाटू ओ गोले देना तो बेजुरी ये चंद्रे हारा हो जुरी थी ये गानी शोबली जुरी थी ये गानी शोबली बसिलोरी मारेगा तू है सुने तारा लाड़ी है उतानी है उतानी है तेरे लगदों रारा छवा तू है सुने तारा लाड़ी है। वाव, ऐबे गाओ तू गाना, तू ऐबे मुझे गाना नहीं था, धन्यवाद। गाइस देखा, ये बोल रहे थे कि मुझे गाना नहीं गाना आता है, बट मुझे पता था इनको आता है गाना, तो अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम अगर माता ने चाहे तो हम जरूर आएंगे। बाय बाय करो। चलिए, ये देखिए स्कूल के बच्चे भी यहाँ से आ रहे हैं, नहीं पाठशाला से, स्कूल से हडिंगचा। हाँ तो मतलब वो कहाँ है? रोज आते जाते रहते। ब्यूटीफुल, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। हाँ, यहाँ पे हमारे कुछ स्कूल के बच्चे, काफी हार्ड वर्क करना पड़ता है यहाँ से, ऊपर नीचे चलना पड़ता है यहाँ से। देखिए गाइस, फ्यूचर प्लानिंग चल रही है यहाँ से। तू खुद तो शादी करेगा? हाँ, ये अगर पार्टनर
तो बात हो अभी और खुद भी तो स्लो है वो आजकल कितने कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेवंथ में. वेरी गुड. इस बार पास हुए? कौन सा मिनट लाया? ग्रेट. वेरी गुड. बोला हमें पानी से कहाँ है पानी जो है सभी बटी जाके दिल की फन करते हो जाने का इसलिए ये ही पिन हिल तक आया बोला. हाँ इस तरफ प्रकाल का उसको. ये किसका ब्लॉगिंग चैनल है? इसका है कि आपका है? ब्लॉगिंग चैनल इस टाइम मैंने हायर क्या बोलते हैं इसको हायर कर लिया है. ओ वाओ हायर कर दिया किसका? सुंदर शांडिल. और सुंदर शांडिल आप ब्लॉगिंग करने का चाहिए? 1 मिलियन सब्सक्राइबर इनके. ये तो ज्यादा अच्छा लगता है कि हमें देखिए वो मोटिवेट होते हैं और मोटिवेट में वो जोश जोश में एक ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर देते हैं. बट अच्छी बात है. बट मैं चाहती हूँ कि आप आगे तक ये रखें. सेट तो बैठ रही हम जा रहे हैं. इन सीढ़ियों पे क्या लगा आपको? इन सीढ़ियों पे मुझे कदम कदम पर लगा कि जैसे मानो माता रानी मेरा हाथ पकड़ कर मतलब मेरे को बीच में ऐसा सुनने में आया बोला कि आप रास्ते में सो ही गए थे. बात पता क्या हुआ था? मुझे थोड़ा सा डिहाइड्रेशन हो गया. अच्छा. पानी की तो इसलिए बोलते हैं कि साथ में पानी की बोतल भी रख लेती थी. बिल्कुल पानी की बोतल भी थी. बट हम कंटिन्यू चले. लगभग हम 2 घंटे कंटिन्यू चलते गए. हम एक बार भी नहीं रुके. और उसके बाद मेरा जो बॉडी है वो ये कहने लगी कि बस हो गया, थोड़ा सा रुक जाओ, मतलब रेस्ट मांगने लग गई. हाँ रेस्ट मांगने लगी. बट ये लोग रेस्ट नहीं वो कर रहे थे. तो फिर जब मैंने रेस्ट मांगा मैं बैठी इस कैफे में बैठी. काफ़ी अच्छी अंकल आंटी है यहाँ पर. उन्होंने बेचारों ने बैठने के लिए जगह दी. थोड़ी सी बातें की उनसे. अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो काफ़ी अच्छा लगा. तो आप फिर दोबारा आना चाहेंगे यहाँ पे? हम तो कौन ही होते हैं. बोलते हैं कि माता रानी की इच्छा से पता नहीं होता है. अच्छा. अगर माँ को मंजूर है तो आई विल. मैं पक्का. ठीक है. धन्यवाद आपका एक्सपीरियंस बताने के लिए. ये साटे हुआ. सो वेलकम बैक गाइस. अभी देख सकते हैं हम. अभी हम वो वाले टॉप से उतर रहे हैं नीचे की ओर. सीढ़ियाँ कुछ ज़्यादा ही हाइट में थी. अभी देख सकते हैं आप हमारे भक्त जन लोग जा रहे हैं आगे. अभी हमारे को वो लास्ट वाली इस वाली चोटी पर जाना है वापस जहाँ से हम आए थे सुबह. ये देखिए रास्ते में कुछ और बच्चन जा रहे हैं. देखिए मैं और सुंदरलाल जा रहे हैं साथ में. ये देखिए इंद्रजीत से इंस्पायर हुए हुए कलाकार यहाँ पे. मेरी झूली बैन पानी साए ओ कतियाड़ा ओ दादी तुसे खींचना
यीशु बे ये तोरे हक बजके तोरे होना होना लो नेनु लड़ी हक बजके तोरे ए लो तो अभी हम लोगों का खाना आ चुका है। खाने में चाइनीज मंगाया है इन्होंने।